ला देती हूँ। हेलो, कौन? सुजाता, मुबारक हो। सुना है बहुत मालदार आसामी के साथ रही जा रही हो। आखिर दौलत के लालच में तुमने मेरे प्यार को ठुकरा ही दिया। जानती हो दौलत के लिए कौन रुकता है? आज मुझे मजबूरन यकीन करना पड़ रहा है कि दुनिया में नीच जात के लोग भी होते हैं, उनका दिल भी नीच होता है, और तुम इस बात की जिंदा मिसाल हो। ये सब आप क्या कह रहे हैं अधीर बाबू? किससे सुनी है आपने मेरे ब्याह की खबर? तो फिर उस ब्याह की मुहूर्त पर एक बार आइएगा जरूर। आपके पांव की धूल से अपनी मांग भरकर यह अछूत लड़की आपकी आंखों के सामने सदा सदा के लिए सो जाएगी। सुजाता, नानी बोलो बेटा, क्या सच तुम यही चाहती हो कि मैं जल्दी शादी कर लूं? कैसी बात करते हो बेटा? अरे मैं उसी दिन के लिए तो जी रही हूँ कि कब चांद से बहू घर आए। तो शुरू करो तैयारी। झुक झुक जियो बेटा, मैं अभी उपेन को संदेशा भिजवा देती हूँ। लेकिन रमा का इम्तिहान? रमा से नहीं, मैं सुजाता से ब्याह करना चाहता हूँ। क्या क्या कहा? मैं सुजाता से ब्याह करना चाहता हूँ। तुझे ये पता है कि वो ओपन की लड़की नहीं है? हाँ। और ये भी पता है कि वो अछूत है? ये भी पता है। ची, 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 ची। मेरे ठाकुरों के सामने खड़ा होकर उस अछूत लड़के से ब्याह करने के बाद मुंह से निकल रहा है। आ जा मेरे सामने, निकल जा यहाँ से। सुजाता को क्या तुम्हारे ठाकुर ने नहीं किसी और ने बनाया है? ये जो तुमने बुद्ध, विवेकानंद, रामकृष्ण की तस्वीरें लगा रखी हैं, इनमें से तो कभी किसी ने नहीं कहा कि ऊंची नीची जात होती है, इंसान इंसान में फर्क होता है। उनकी बात क्या करता है तू? वो तो सब देवता है, देवता। वो सब इंसान को इंसान समझते थे, तभी ना आई देवता है। इंसान से नफरत करना सबसे बड़ा पाप है नानी। रहने दे अपने उपदेश, मुझे धर्म सिखाने आया है। कान खोल कर सुन ले, उस लड़की से तेरा ब्याह कभी नहीं हो सकता। वो अछूत की लड़की है। मैं इस बात को नहीं मानता। अब तो वो उपिन बाबू की लड़की है। तेरे कहने से ही हो जाएगी। उसका जन्म अछूत के घर हुआ है। तो क्या जन्म ही सब कुछ है? अच्छा, अगर किसी ब्राह्मण की लड़की को कोई शूद्र पाले तो तुम उसे ब्राह्मण मान लोगी? कभी नहीं, उसकी जात तो गई, वो शूद्र की लड़की हो गई। फिर तो मैं कहूंगा कि सुजाता भी ब्राह्मण की लड़की हो गई, क्योंकि उपिन बाबू जैसे खानदानी ब्राह्मण के यहाँ वो पली। असल में कोई भी आदमी जन्म से नहीं, अपने संस्कारों से छोटा बड़ा होता है। चुप रहे, तू बहस करके मुझे नहीं हरा सकता। आखिरी फैसला सुन ले, उस लड़की से तू ब्याह नहीं कर सकता। फिर मेरा भी आखिरी फैसला यही है कि मैं सुजाता के अलावा और किसी से ब्याह नहीं करूंगा। तो आज तक मेरे साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं, निकल जा मेरे घर से। मेरी धन संपत्ति पर तेरा कौड़ी भर भी हक नहीं।